हेलो फ्रेंड्स, आज 20 जुलाई 2017 है फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर में लेकर आ गया हूँ फ्रेंड। आज के करंट अफेयर जो कि SSC-CGL IBPS RRB RBI UPSC एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर सीरीज में फ्रेंड। और ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, PIB द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, मैं उन सबको कवर करता हूँ इस सीरीज में फ्रेंड। तो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। आज का जो फर्स्ट न्यूज है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट की सबसे लंबी ब्रिज को डेडिकेट किया है नेशन के नाम, जिसका जो कि कथा जोड़ी रिवर के ऊपर है फ्रेंड, जिसकी लंबाई लगभग 2.8 किलोमीटर है और ये भुवनेश्वर एंड कटक को जोड़ती है फ्रेंड ये ब्रिज। और इस ब्रिज का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिज। ओके फ्रेंड, इस ब्रिज के बनने से ओडिशा के भुवनेश्वर और कटक के बीच में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगी, जो कि डे टू डे लाइफ पब्लिक को कनेक्ट करेगी एक दूसरे को। और ओडिशा के कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के CM नवीन पटनायक है फ्रेंड और जो गवर्नर जेसी जामिर हैं। और ओडिशा की मैं नेशनल पार्क की बात करूँ फ्रेंड, तो ओडिशा में नेशनल पार्क सिमली नेशनल पार्क है और चिल्का लेक नेशनल पार्क है फ्रेंड। ओके, सलासीथी प्रोत्साहन योजना स्टार्टेड इन 25,000 MPA स्कूल। मध्य प्रदेश के 25,000 जिलों स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में सलासीथी प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हो रहा है और इसके अंडर में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंकरेज किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड है। इसके लिए सलासीथी प्रोत्साहन योजना स्कीम स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही एजुकेशन के फील्ड मध्य प्रदेश में हमारी सलाह कैसी हो, ये भी स्कीम है मध्य प्रदेश की। सलासीथी कार्यक्रम ये भी सारे गवर्नमेंट स्कूल में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फ्रेंड, मध्य प्रदेश से CM हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर ओम प्रकाश कोहली जी हैं, मध्य प्रदेश का कैपिटल जो है भोपाल है फ्रेंड। अब मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो फेमस प्लेस जैसे माधो नेशनल पार्क हुआ, मंडला नेशनल पार्क हुआ, इंदिरा प्रिय दर्शनी नेशनल पार्क है, ऐसे टोटल 9 नेशनल पार्क है फ्रेंड। तो मैं नेशनल पार्क की जो भी वीडियो लूंगा उसमें शॉर्ट क्लिप के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्रेंड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स रिवाइज पॉलिसी ऑफ मांझी कन्या वाग्यश्री। मांझी कन्या वाग्यश्री एक स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, जिसमें पहले उन गर्ल्स को बेनिफिट मिलता था जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो है, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब रिवाइज स्कीम के थ्रू उन सभी गर्ल्स को बेनिफिट मिलेगा जो जिनकी एनुअल इनकम 7.5 लाख है फ्रेंड। ओके, तो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाँ कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है मांझी कन्या वाग्यश्री स्कीम, तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। और पहले उसमें क्या था, तो पहले अप टू 1 लाख जिसकी एनुअल इनकम थी वही बेनिफिशरी होते थे, बट अब 7.5 लाख तक जिसकी भी एनुअल इनकम है वो इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो महाराष्ट्र का जो CM है देवेंद्र फडणवीस, वहाँ के गवर्नर श्री विद्यासागर राव हैं और कैपिटल मुंबई है। चंदोली नेशनल पार्क, कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में, जैसे नावेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी जिसे बोरीविल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ऐसे कुछ फेमस नेशनल पार्क है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट ने इम्पोज किया है सैंक्शन इम्पोज कर दिया है ईरान के ऊपर, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर फ्रेंड। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड स्टेट अनाउंस किया है कि हाँ उन्होंने टारगेट किया है 18 ईरानियन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप नेट या फिर नेटवर्क जो भी प्रोग्राम करते हैं उनको इन्होंने रोक लगा दिया है कि हाँ, अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएट प्रेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन रेंज्ड फ्रॉम ये कंपनी दैट एलिगली एडेड बाय, जैसे ईरान ड्रोन प्रोग्राम हुआ जो कि टर्की बेस्ड टर्की के जो नेवल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर चाइना बेस्ड नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करती है ईरान को, उन सभी पर US ने इम्पोज कर दिया है, रोक लगा दिया है कि हाँ ईरान इन सभी चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता फ्रेंड। ईरान के कैपिटल तेहरान है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी है, वहाँ ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया ने 16 अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ज्वाइन कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते ही ये 35 कंट्री बन गई है ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें तो
इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टार्टिंग की थी, और ये नवंबर 2015 में पेरिस में इन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, और इसकी जो एम है लगभग 2030 तक ये 10,000 बिलियन डॉलर की जो एनर्जी सोलर एनर्जी ये जनरेट करें फ्रेंड। ओके, वहीं पर इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है लगभग 1 मिलियन डॉलर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एजेंसी एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। ओके, अगर ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल की बात करूँ तो कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैकॉम टर्नबुल फ्रेंड। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म कैसे हुआ। देखिए, जो भी कंट्री हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या फिर जो पार्सली उनमें आते हैं, उनको एक सलाह दी गई कि हाँ आप सभी सोलर अलायंस के मेंबर बनिए। ये नवंबर 2015 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर स्टार्टिंग किया था, क्योंकि देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया क्योंकि जो सनलाइट होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होती है। ओके फ्रेंड, तो ऑस्ट्रेलिया 35th कंट्री बन गया है जो आईएसए को ज्वाइन कर लिया है। वहीं अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूं तो उसके हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम है में है, जो कि हरियाणा में हो गया है। गुरुग्राम गुड़गांव का नया नाम है फ्रेंड। ओके, बिजनेस की बात करूं मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जीएसएल एचएसएल जीआरएसी बीडीएल ने एमयू साइन किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये डिफेंस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एमयू साइंड हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी साइन हुआ है, पहले देखते हैं जो बीडीएल है। बीडीएल मींस भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल, और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डीपीएसयू ने साइन किया है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। वहीं पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल, और जो कि एक शेड्यूल बी का सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज है, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। वहीं पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन दोनों ने मिलकर साइन किया है। मिनी रत्ना है फ्रेंड, इन्होंने साइन किया है। और वहीं पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है फ्रेंड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजन लिमिटेड चेयरमैन जीआरएसी के चेयरमैन और मैनेज एमडी जो है रियर एडमिन, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर रियर एडमिनल सपोर्ट से रिटायर हुए हैं वीके सक्सेना, उन्होंने और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर साइन किया है सारे एमओयू। ये सारे एमओयू डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी अशोक कुमार गुप्ता और डिफरेंट जैसे जीएसएल एचएसएल जीआरसी एंड बीडीएल के जो भी सेक्रेटरी हैं उनके बीच में साइन हुआ है। अभी इंडिया का जो फूड ग्रेन है उसमें 8.7% की इंक्रीमेंट हुई है, रिकॉर्ड ये अभी तक की है। 2.73 मेगा टन प्रोडक्शन हुआ है 2016-17 में, ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है फ्रेंड। और ये डेटा रिलीज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 18 जुलाई 2017 को। बात किया जाए तो राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 4.7%, रिकॉर्ड इंक्रीमेंट हुआ है 109.15 मिलियन टन। वहीं पर वीट में 5.6%, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है, 97.44 मिलियन टन है। कोर्स ग्रेन की बात किया जाए तो उसमें 15.2% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि अभी तक हाईएस्ट है 44.39 मिलियन टन। और इससे और मेजर पल्सेस दाल की में भी काफ़ी जगह इंप्रूवमेंट हुआ है, 37% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 22.40 मिलियन टन है। और ये रिकॉर्ड आउटपुट जो है सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए फ्रेंड, जो इसमें 12.4% इंक्रीमेंट ओवरऑल हुआ है। ये फार्मर को काफ़ी राहत पहुँचाएगी, जो उनको लॉस हुआ है डिमोनेटाइजेशन के टाइम से अभी तक, तो फार्मर के लिए काफी ज्यादा राहत पहुंचाने वाली बात है फ्रेंड। ओके, अब थोड़ा अवार्ड के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शेख लुबना अल कासमी को फोर्ब्स की तरफ से टॉप मोस्ट पावरफुल अरब वुमेन का अवार्ड मिला है। शेख लुबना अल कासमी जो टॉप की हैं और ये पावरफुल वुमेन है।
अब फोर्ब्स की टॉप 100 वुमेन की बात किया जाए तो इसमें बिजनेस वुमेन है जो 2017 में टॉप की हैं। सबसे ज़्यादा इसमें यूएई की वुमेन है जिसमें हाईएस्ट नंबर 18th इसमें से यूएई की हैं। और जो शेख लुबना अल कासमी है वो नंबर वन पर है। वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर इजिप्ट की वुमेन है शहर नसर, जो कि एक कंट्री मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मिनिस्टर हैं। और घरा वाली वो भी एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी की में। ओके फ्रेंड, नागालैंड के सीएम फिर से चेंज हो गए हैं। न्यू जो सीएम है टीआर जेलियांग न्यू सीएम है। और तो कल नागालैंड के न्यू सीएम ने शपथ ग्रहण किया। उनकी शपथ ग्रहण पीबी आचार्य ने किया है, अपॉइंट किया है पीबी आचार्य ने। और ये टीआर जेलियांग जो है नागालैंड के 19th चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने रिप्लेस किया है सुरहोजले लेजिटसो को रिप्लेस किया है फ्रेंड नागालैंड। ओके, और जो टीआर जेलियांग है वो पीपुल्स फ्रंट पार्टी के मेंबर है फ्रेंड। भरत अरुण को अपॉइंट किया है टीम इंडिया के बॉलिंग कोच। बीसीसीआई ने भरत अरुण को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच 2019 वर्ल्ड कप तक के लिए अपॉइंट किया है। वहीं पर संजय वांगर जो होंगे असिस्टेंट कोच होंगे और आर श्रीधर एज फील्डिंग कोच रहेंगे फ्रेंड। और ये सभी 2019 में जो वर्ल्ड कप होने वाली है उस समय तक ये अपॉइंट रहेंगे। अगर बात करूँ उनको बीसीसीआई के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना हैं, एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी हैं और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी हैं और कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर डायना एडोलजी हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये याद रखने वाली बात है कि हाँ पूछ लिया जाता है कि बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो सीके खन्ना, एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी, बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी हैं। ओके फ्रेंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं तो यूएस नेवी टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लेजर वीपीएन सिस्टम लॉन्च। यूएस नेवी ने पहला एक्टिव लेजर वीपीएन सिस्टम टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो जिसकी कीमत लगभग 40 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। ये स्पेशल टाइप की लेजर है जो कि एक टाइम में फोटोन को रिलीज करेगा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से के स्पीड से ये टारगेट करेगा अपने टारगेट को ये हिट करेगा फ्रेंड। और ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर रिलीज करेगा ये फोटोन, और मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि हाँ जो भी मिसाइल्स या फिर रडार पर आ रहे हैं उसको लाइट के स्पीड से ये स्ट्राइक करके उनको बर्न कर सकता है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो यूएस नेवी ने फर्स्ट लेजर वीपन को टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में ये वर्क करेगा फ्रेंड। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एम आधार ऐप। ये आधार UID ने लॉन्च किया है एम आधार ऐप, जो कि आधार नंबर इसमें होगा के थ्रू ये ऐप रजिस्टर होगा। आप स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं एम आधार ऐप, जो कि सारे इन्फॉर्मेशन इस ऐप में मेंशन रहेंगे, जैसे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, नाम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, जेंडर, एड्रेस, फोटोग्राफ, सब कुछ रहेंगे जो आपके आधार कार्ड पर होते हैं। और आप अब उस आधार को आप दिखा सकते हैं उसके थ्रू, जहाँ भी आधार की जरूरत है आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, जो भी QR कोड है, EKYC डिटेल्स शेयर कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू। तो फ्रेंड UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंडर में आता है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT है रविशंकर प्रसाद जी हैं, और CEO है UIDAI के CEO हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे। ओके फ्रेंड, केरला में इकोसिस्टम थोड़ा मैराइन इकोसिस्टम घोस्ट नेट यूज करने की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस हो चुका है। और घोस्ट नेट यूज करने की वजह से इकोसिस्टम अथॉरिटी ने ये बताया कि ये मैराइन इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है। घोस्ट नेट कुछ इस तरह का होता है, जो समुद्र के अंदर में नेट फैलाया जाता है जिससे मछली फिशिंग किया जाता है फ्रेंड। ओके, तो इसके थ्रू बहुत सारे अंडर वाटर जो रीफ होते हैं, जो रीफ मतलब फ्रेंड जो भी अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, उनके बहुत सारे डैमेज हो चुके हैं फ्रेंड। तो
इसे मैराइन इको सिस्टम का काफ़ी जगह खतरा है फ्रेंड्स। जो घोस्ट नेट होते हैं वो चार तरह के होते हैं, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप स्लाइड को पॉज करके पढ़ लेना फ्रेंड्स। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के गवर्नर हैं पी सथाविश्वम शिवम एंड सीएम है पिनारे विजयन फ्रेंड। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात बात करूँ तो केरला इमर्ज एज इमर्ज चैंपियन एट द 57th नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप। केरला जो है 159 पॉइंट के साथ टॉप पर रहा है इंटर स्टेट चैंपियनशिप में, जो कि 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था फ्रेंड। वहीं तमिलनाडु सेकेंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर हरियाणा है फ्रेंड। तमिलनाडु को 110 पॉइंट मिले हैं और हरियाणा को 101 पॉइंट मिले हैं। केरला के अनुर आर को गोल्ड मेडल मिला है, वो वेस्ट वुमेन एथलीट्स हैं और उन्होंने 1105 पॉइंट अचीव किया है। उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है 400 मीटर में। और वहीं हरियाणा के संदीप कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस के 20 किलोमीटर रेस में। ओके, सौम्या बी ने भी गोल्ड मेडल जीता है वुमेन के 20 किलोमीटर के रेस वॉक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, अनुर आर, हरियाणा के संदीप कुमार, सौम्या बी, इन सभी के नाम याद रखने वाली बात है फ्रेंड। और टॉप थ्री स्टेट जो है इंटर स्टेट चैंपियनशिप में, केरला, तमिलनाडु और हरियाणा फ्रेंड। इंडिया विंस गोल्ड एंड ब्रॉन्ज एट द फर्स्ट ग्लोबल रोबोटिक ओलंपियाड। इंडिया ने पहली बार ग्लोबल रोबोटिक ओलंपियाड में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज जीता है फ्रेंड, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ग्लोबल रोबोटिक ओलंपियाड जो हुआ है वो वाशिंगटन डीसी यूएस में हुआ है। तो इंडिया तरफ से जो मुंबई के स्टूडेंट है जांग हेंग, इंजीनियरिंग डिजाइन अवार्ड में इनको गोल्ड मिला है। और ये दोनों स्टूडेंट फ्रेंड्स मुंबई के हैं। और टीम इंडिया ऑल्सो वन ब्रॉन्ज फॉर ग्लोबल चैलेंज मैच में फ्रेंड। गोल्ड मिला है फ्रेंड जैंग हैंग इंजीनियरिंग डिजाइन अवार्ड में, और ब्रॉन्ज मिला है ग्लोबल चैलेंज मैच में। और सबसे बड़ी बात, प्राउड वाली बात है अफगानिस्तान की, क्योंकि वहाँ की सारी गर्ल्स टीम ने राजा चेरकोई एल मॉर्सली अवार्ड जीता है फ्रेंड। फुटबॉल लीजेंड फ्रैंक्सको टोटी कंफर्म रिटायरमेंट। इटली के फुटबॉलर हैं फ्रैंकिसो टोटी, वो अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने लगभग 786 मैचेस खेले हैं रोम की तरफ से, और उन्होंने लगभग 307 गोल भी किया है फ्रेंड। ओके, तो इन्होंने अपने रिटायरमेंट कंफर्म कर दिया है। मुंबई के जो टीम है नील जोशी और अनन्या डाबके, इन्होंने डच अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स टाइटल अपने नाम किया है। डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था, वहां पर मुंबई के नील जोशी और अनन्या डाबके, नील जोशी जो बॉयज जूनियर स्क्वैश के चैंपियनशिप अपने नाम किया है, तो वहीं अनन्या डाबके गर्ल्स टाइटल अपने नाम किया है फ्रेंड। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।